नमस्कार, LMS ई कंटेंट वीडियो PPT प्रोग्राम के 21वें सेशन में मैं डॉक्टर सुजाता मगदूम आप लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग जंग बहादुर पाठ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान जंगिया और धनिया किस प्रकार कुलियों का, यात्रियों का ख्याल रखते थे, ये हमने देखा। उसका आगे का हिस्सा अब हम देखेंगे। पहाड़ चढ़ते समय इस बार आदि बद्री पहुंचने के बाद धनिया बीमार पड़ गया। उसे बुखार हो आया, तेज बुखार हो आया। लेखिका ने उसे होम्योपैथिक दवाई दिलाई, भक्तिन ने चाय बनाकर पिलाई, लेकिन जंग बहादुर भाई के बीमार पड़ने पर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि बीमार व्यक्ति को पहाड़ ले जाना संभव नहीं था और जंग बहादुर अपने भाई को वहीं चट्टी में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर गांव जाकर वो काकी को क्या उत्तर देता। तो उसने सोचा कि धनिया के साथ वो भी चट्टी में रह लेगा उसके आराम होने तक। तो उसने महादेवी जी से कहा कि वे दूसरे कुली लेकर आगे चले, लेकिन महादेवी जी इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो धनिया दूसरे दिन बीमारी की अवस्था में ही पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन लेखिका ने उसे मना कर दिया, कहा कि हम तुम्हारे आराम होने तक सब लोग यहीं रहेंगे। तो इस तरह वे सब लोग 3 दिन तक चट्टी में ही रहे और धनिया के आराम हो जाने पर 4थे दिन फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ी। दोनों भाइयों का आपसी प्रेम देखकर महादेवी जी को बड़ी खुशी हुई। उन्हें लगा इन मासूमों पर अभी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा है। दोनों भाई गरीब थे, टाट का सिला विचित्र पाजामा, फटा सूती कोट पहनकर मेले कुचेले दिखने वाले दोनों भाई मन से अत्यंत परिशुद्ध थे। खाना बनाते समय कड़कती ठंड में भी केवल लंगोट पहनकर अपना खाना पकाकर खाते थे। वे टूटे फूटे बर्तनों में अपने लिए दाल चावल बना लेते थे। कभी कभी दाल का खर्च बचाने के लिए लिगुणा नामक जंगल शाख तोड़ लाते और उसी के साथ स्वाद लेकर कच्ची पक्की रोटियां वे खा लेते थे। वे लोग आलू नहीं खाते थे। तो ये दोनों महादेवी को माँ कहकर पुकारते थे। महादेवी को जंगिया और धनिया का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। धनिया स्वभाव से शर्मीला था, उसकी हिंदी भी बहुत विचित्र थी, विचित्र हिंदी बोलता था वो। उसकी आंखें बातें करते समय हमेशा झुकी रहती थी। वो अच्छा को अच्छा बोलता था, तकलीफ को तकलीफ बोलता था, तो उसकी हिंदी बड़ी विचित्र थी। और इतने गरीब होने के बावजूद दोनों भाई इतने स्वाभिमानी थे कि मुफ्त का पैसा लेना उन लोगों को पसंद नहीं था। इस बार धनसिंह को धनिया को रुद्रप्रयाग में विश्राम करने का आदेश देकर लेखिका ने जब जंग बहादुर के साथ चलने का आदेश दिया तो उनकी ममता देखकर जंग बहादुर की आंखें भर आई। उसने अपने जीवन में महादेवी जैसी यात्री शायद कभी नहीं देखी थी। तो इस प्रकार धनिया को रुद्रप्रयाग में छोड़कर महादेवी जी बद्रीनाथ जाकर बद्रीनाथ के दर्शन कर आई और दोनों भाइयों की देखभाल और सेवा में लेखिका की यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न हुई। एक दिन
उन सबको बस में बिठाकर जंगिया रोता हुआ उनको विदा कर आया। महादेवी देख रही थी कि उन दोनों के दिल भर आए थे और धनिया भी रो रहा था। दोबारा आने की चिट्ठी लिखने की बातें हो गई। आज इस घटना को कई समय हो गया है, बहुत समय हो गया है। आज वे पर्वत पुत्र कहाँ होंगे लेखिका को पता नहीं, लेकिन उनकी याद महादेवी वर्मा को हमेशा आती है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा की बद्रीनाथ यात्रा संपन्न हो रही है, संपन्न हुई जंगिया और धनिया की देखभाल में। बद्रीनाथ दर्शन का वर्णन इस पाठ में नहीं आता, लेकिन भगवान जैसे ही पवित्र मनुष्यों के दर्शन इस पाठ के दौरान महादेवी वर्मा ने हमें कराए हैं पर्वत पुत्र धनसिंह तथा जंग बहादुर के। तो इसका पुनरावलोकन के लिए हम फिर अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।